राजधानी देहरादून की दून अस्पताल के स्टोर रूम और एक्सरे रूम में अज्ञात कारणों के चलते आज अचानक आग लग गई। अचानक आग लगने से अफरा तफरी मच गई। बताया जा रहा है कि स्टोर रूम में रखे कागजात भी जलकर राख हो गए। वहीं मौके पर पहुंचे फायर ब्रिगेड के कर्मचारियों ने आग पर काबू पाया। वहीं स्टोर रूम में आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। इसके तहत ही चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर अनुराग अग्रवाल ने बताया कि वहां पर दो मरीज भी मौजूद थे, जिनको वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया है। उन्होंने कहा कि आग पर पूरी तरह से काबू पा लिया गया है और अस्पताल में पहले की तरह काम हो रहा है। देहरादून से ब्यूरो चीफ अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। हाँ, देखिए, ये बहुत ही अनफॉर्चुनेट रहा कि आज एक हमारा जो स्टोर रूम है, जिसमें हम लोग अपनी एक्सरे की फिल्म इत्यादि उसमें रखते हैं, तो उसमें एक अचानक एक साउंड के साथ हल्की सी आवाज़ हुई और उसके बाद उसमें आग लग गई। लेकिन मैं बोलना चाहूँगा कि हमारे सभी डॉक्टर, हमारे जितने कर्मचारी थे, हमारे गार्ड्स, सभी ने बहुत ही त्वरित एक्शन लेते हुए, वहाँ पर दो मरीज उस टाइम पर थे, जिसमें कि एक ब्लाइंड पेशेंट भी था, हमारी डॉक्टर ने उसको खुद ही कैरी अपने साथ सहारा देकर उनको पीछे के रास्ते से माथे निकाल लिया, और हमारे सभी जो एक अग्निशमन यंत्र होते हैं उनके जरिए उस आग पर हमने काबू पाया। बाद में हमारा कॉल कर लिया गया था अग्निशमन दल को भी, उन्होंने आकर फिर वहाँ से पूरा एक धुआं निकालने का काम भी किया। तो ऐसे में बताना चाहूँगा कि कोई भी इस तरह की एक जान माल की हानि, इसमें माल की हानि तो बोलना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन यहाँ जान की हानि कुछ भी नहीं हुई है, और इसमें आगे आग लगने के कारण भी हम लोग पता लगाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, उनको ठीक कराया जाएगा।